आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ज्योति राव गोविंद राव फुले, जिनको हम प्यार से महात्मा ज्योतिबा फुले भी बोलते हैं। जब बहुत बुरी कंडीशन थी दोस्तों दलितों की, अनटचेबल्स की, उनको कोई राइट्स नहीं थे, तो ज्योतिबा फुले पहले थे जो आवाज बन के आए। बी आर अम्बेडकर के तो गुरु थे ये, ज्योतिबा फुले को वो अपना आइडल मानते थे। तो ज्योतिबा फुले की बात करें तो इन्होंने भर भर के वेदों को कोसा, ब्राह्मणिज्म को उन्होंने कोसा, आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी जो उसको कोसा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन था दोस्तों उस समय दलितों का, और दलित वर्ड भी ज्योतिबा फुले ने कॉइन किया था। इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन था कि कहने को नहीं, दलितों को तो पानी तक नहीं, जो कॉमन टैंक था उसे पानी तक नहीं लेने दिया जाता था, वो कहीं से जा नहीं सकते थे, उनको झुक के प्रणाम करना पड़ता था, बिल्कुल एक लो प्रोफाइल उनको जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी, उनको कोई एजुकेशन राइट्स नहीं थे, उनके कोई बेसिक राइट्स नहीं थे। तो उस समय ज्योतिबा फुले आगे आए और उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले। एक सोशल एक्टिविस्ट थे, एक बहुत ही एफिशिएंट बिजनेसमैन थे और एक गजब के राइडर थे। इन्होंने गुलामगिरी में बहुत सारी चीजें लिखी, हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और सत्य शोधक समाज जो इन्होंने फाउंड किया था, जो एक बहुत बड़ी इनकी फाइंडिंग्स थी, वो भी देखेंगे। इनकी पत्नी सावित्री बाई फुले, उनकी बात करेंगे हम अगले पार्ट में। आपको बता दूं कि दो लेक्चर आएंगे, एक तो ज्योतिबा फुले और उसके बाद सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले इनसे दो कदम आगे थी भैया, उनकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। फर्स्ट फीमेल टीचर थी वो इंडिया की, आज जो आप मॉडर्न एजुकेशन देख रहे हैं ना, उनकी बहुत बड़ी देन है, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। SIDUNDERSCORE RECONNECT मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर अच्छे पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों अगर हम ज्योति राव गोविंद राव फुले की बात करें तो इनका जन्म 1827 में हुआ था। फुले, आप ये जो सरनेम देख रहे हैं, ये वैसे इनकी माली कास्ट थी, ठीक है, शूद्र थे ये लोग, आपको पता ही है वर्ण सिस्टम था, शूद्र थे, माली थे। तो ये फूल सप्लाई किया करते थे, फ्लावर्स को सप्लाई किया करते थे उस समय जो पेशवा थे, क्योंकि इनका जन्म जो है वो पूना में हुआ था। आपको बता दूं कि इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे वो माइग्रेट कर गए थे, पूना में ही रहते थे, और इनके पिताजी गोविंद राव वो जो है वो भी फ्लावर वेंडर थे, और वो क्या करते थे, फूल देते थे। जो भी सेरेमनीज होती थी या जो भी साज सजावट का सामान होता था तो इनके पिताजी जो है वो सप्लाई करते थे पेशवा बाजीराव टू को, ठीक। अब यहीं से ही दोस्तों कहानी बदलने लगी। जब ज्योति राव का जन्म हुआ 11 अप्रैल 1827 में, ये बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, इनके विचार बहुत ही ज्यादा ब्रॉड थे। अब इनको कोई पढ़ने नहीं दे रहा था, पढ़ाई की उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि शूद्रों को तो बिल्कुल भी कोई राइट्स नहीं थे। लेकिन आसपास के जितने भी लोग थे उन्होंने ज्योति राव के टैलेंट को पहचाना, स्पेशली एक क्रिश्चियन थे, उन्होंने पहचाना और बोला कि इसको आप स्कूल भेजिए, ठीक है ना। तो जब वो स्कूल जाने लगे उसके बाद उनके सारे तार खुल गए और फिर उन्होंने एक तरीके का इतिहास रच दिया। अब दोस्तों गोविंद राव की जो शादी है चिमनाबाई से हुई थी, हालांकि ये 9 साल के थे जब ज्योतिबा की मां जो है उनकी मां का माता जी का देहांत हो गया था, ठीक है। तो ये चीज थी, गोविंद राव और चिमनाबाई के दो बेटे थे। जो छोटा बेटा था वो बहुत ही जल्दी उसका स्वर्गवास हो गया था, तो सिर्फ ज्योतिबा इकलौते बेटे थे जो इनके बचे थे। तो भैया इकलौते हैं तो काफी ज्यादा प्यारे हैं। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उस समय अरे बाप रे शूद्रों को पढ़ाया जा रहा है, हटा दो बिल्कुल, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा थे, तो इसीलिए सब बोलने लगे कि इसका ये जो टैलेंट है ये वेस्ट मत करो और इसको पढ़ने का बिल्कुल मौका दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। अब उसके बाद दोस्तों यहां पे इन्होंने अपनी एजुकेशन को पूरा किया, क्योंकि जब ये सारी चीजें हुई और जब इनको इनकरेज किया गया पढ़ाई करने के लिए, तो इन्होंने स्कॉटिश मिशन स्कूल में वहां पर इन्होंने दाखिला लिया और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई पूरी की। आपको बता दूं कि उस समय क्या होता था कि जल्दी शादी करने का प्रावधान होता था कि जितनी जल्दी हो सके शादी कर दो, और उसके लिए फिर ज्योतिबा फुले ने बाद में अभियान चलाया था। तो ज्योतिबा फुले उस समय सिर्फ और सिर्फ 13 साल के थे और इनकी शादी हो गई 9 साल की बच्ची से, जिनका नाम था सावित्री बाई। और सावित्री बाई, आपने सुना होगा ना वो मुहावरा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यहां उल्टा था, सावित्री बाई के पीछे ज्योतिबा फुले का हाथ था। एक बहुत ही प्रोग्रेसिव हस्बैंड, जब उन्होंने सोसाइटी को इतने बेहतरीन व्यूज दिए
तब आप सोच लीजिए उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कितना कुछ किया होगा। सावित्री बाई को उन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया और उसके बाद सावित्री बाई एक इतनी बड़ी लीडर हो गई, इतनी बड़ी लीडर हो गई कि क्या बताएं। आज जो हम देख रहे हैं भारत में एजुकेशन, या इनफैक्ट जो लड़कियों को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे सावित्री बाई का हाथ है। ये पहली थी जिन्होंने गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया था। गांव गांव जाती थी, बोलती थी चलो बाहर निकलो और पढ़ो चल के। कविताएं भी लिखी थी इन्होंने पढ़ाई के लिए। हम ये देखेंगे अगले पार्ट में जब इनकी बायोग्राफी कवर करेंगे तब ये देखेंगे। एक इनके साथ दोस्तों इंसिडेंट हुआ था ज्योतिबा फुले के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 1848 की बात है दोस्तों, ये 21 साल के थे। तो अब हुआ क्या था दोस्तों कि इन्होंने अपनी इंग्लिश एजुकेशन पूरी की थी और इसी दौरान इनकी काफी दोस्ती भी हो गई थी। काफी दोस्त थे, ब्राह्मण भी थे उसमें, क्षत्रिय भी थे, वैश्य सब लोग थे। तो यहाँ पे एक बार ये अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी अटेंड करने गए थे। तो वहां पे एक ने इनकी बहुत बेइज्जती की थी। उन्होंने बोला था कि तुम शूद्र हो और यहाँ पे आ गए हो, शादी अटेंड कर रहे हो और तुमको छूने का भी बिल्कुल हक नहीं है, तुम यहाँ पे आ कैसे गए। एकदम भयंकर तरीके से बेइज्जती की और सबके सामने की। तो वो जो बात थी इनके दिमाग में लग गई। आप सोचिए एक इंसान जा रहा है वेडिंग अटेंड करने और हर कोई उसकी बेइज्जती करे, कैसा उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे फुले की सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां नहीं उड़ी, उनका जो इरादा है वो और पक्का हो गया। मीनवाइल वो काफी पढ़ने लगे। एक थॉमस पेन की बहुत ही फेमस बुक है राइट्स ऑफ अ मैन, जब इन्होंने ये बुक पढ़ी इसी दौरान तब इन ये एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए, इनलाइटेंड हो गए। और फिर इन्होंने सोचा कि कुछ भी करके, एक तो ये इंसिडेंट और ये जो किताब का जो असर पड़ा, कि कुछ भी करके सोसाइटी को रिफॉर्म करना है। और फिर ये एक एक्टिविस्ट हो गए, एक सोशल एक्टिविस्ट हो गए। ये सिर्फ 1848, सिर्फ 23 साल के थे ये, आई मीन ये 21 साल है दोस्तों, 21 ईयर्स, ठीक है, सिर्फ ये 21 साल के थे। और इन्होंने सबसे पहले तो अपनी वाइफ को पढ़ना लिखना सिखाया, सावित्री बाई को पढ़ना लिखना सिखाया। और उसके बाद दोनों ने ही, इस कपल ने, इनकी वाइफ सावित्री बाई और ज्योतिबा ने, दोनों ने ही पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया। सबसे पहले तो उन्होंने स्कूल खोलने स्टार्ट किए। उनको पता था कि स्कूल के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। अब यहां पे ज्योतिबा फुले, आपको बता दूं कि सिर्फ ये एक सोशल एक्टिविस्ट नहीं थे, ये बहुत ही प्रोमिनेंट बिजनेसमैन भी थे, बहुत ही बड़े मर्चेंट भी थे, ठीक है ना। तो अच्छी खासी इनकी भी पोजीशन थी, इनके पास जमीन भी थी, 60 एकड़ की जमीन भी थी, तो इनके पास भी पोजीशन थी ताकि ये चला सकते। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं तो पैसा भी आपको मिलना चाहिए। अब यहाँ पे फंडिंग भी होती थी, जितने भी इन्होंने स्कूल खोले उनको इंग्लिश मिशनरीज जो है वो फंड भी करती थी। हालांकि 1857 के बाद एक एक करके सारे स्कूल बंद हो गए, क्योंकि 1857 में म्यूटिनी हो गई थी और जो फंडिंग आ रही थी वो एकदम से रुक गई, ठीक है। लेकिन फिर भी इनका जो जज्बा है वो बिल्कुल घटा नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों 1852 में इन्होंने स्कूल जो है वो स्टार्ट किए। पहला जो स्कूल खोला वो हर किसी के लिए खोला, कोई भी आके एजुकेशन जो है वो ले लेता था। लेकिन यहाँ पे सबसे कमाल की बात ये है कि 1852 आते आते, मतलब वैसे तो इन्होंने 1848 में खोला था, तो 1852 आते आते 3 स्कूल चल रहे थे। और उन स्कूलों में सबसे कमाल की बात ये थी कि लड़कियां बहुत आ रही थी। एक टाइम पे जो लड़कियां यहां से एजुकेशन लेके निकल रही थी उन्होंने लड़कों को आउट नंबर कर दिया था, वो ज्यादा थी और बहुत ही एफिशिएंट एजुकेशन थी। आपको बता दो, इससे पहले क्या होता था कि वेदों को बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता था, ठीक है। देखिए हिंदुइज्म में क्या है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको वेदों को पढ़ना होगा। मैं आपको बता देता हूं छोटी सी समरी। देखिए दोस्तों, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया क्या है, दुनिया में सबसे पहले थी क्या, हम अगर डिवाइड करते हैं हिस्ट्री में, तो पालियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, जो कि आज से 33 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, इतने साल पहले ये शुरू हुई थी, 3.5 करोड़। उसके बाद आई नियोलिथिक एज, ठीक है, ये शुरू हुई 6000, मतलब आज से 8000 साल पहले, ठीक है। उसके बाद 4 बहुत बड़ी सभ्यताएं बनी। सबसे बड़ी सभ्यता कौन कौन सी, सबसे पुरानी मेसोपोटामियन, ठीक है, उसके बाद इजिप्शियन, उसके बाद हड़प्पन, मतलब इजिप्शियन, हड़प्पन और चाइनीज, ठीक है। अब अगर हम हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये 3300 से लेकर 1900 तक थी, उसके बाद इसका डिक्लाइनिंग फेज चला गया। बहुत ही इक्वल सोसाइटी थी, कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था, बहुत ही मॉडर्नाइज्ड सोसाइटी थी। आज की अगर हम सोसाइटी की बात करें तो उससे ज्यादा मॉडर्नाइज्ड थी। लेकिन 1900 बीसी के बाद, मतलब यानी कि आज से लगभग लगभग 4000 साल पहले, ये जो इस पूरी सभ्यता का है वो पतन होना शुरू हो गया। उसके बाद आर्यंस आए, आर्यंस ने इन्वेड कर दिया, ठीक है। आर्यंस ने इन्वेड किया तो बहुत सारी इस पे थ्योरीज है। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है मैक्स म्यूलर की, ठीक है, कि ये सेंट्रल और रशिया की तरफ से आए थे। तो आर्यंस ने इन्वेड किया भारत को, कोई ऐसा वॉर नहीं लड़ा या कुछ नहीं,
जब उन्होंने यहां पे इन्वेड किया तब शुरू होता है भारत का वैदिक पीरियड। ये वैदिक पीरियड दोस्तों 1400 से लेकर 1000 बीसी तक चला, और उसके बाद फिर लेटर वैदिक पीरियड जो कि 1000 से 600 बीसी तक चला। इसी दौरान दोस्तों वेदों की रचना हुई। वेदों की रचना मतलब सुप्रीम अथॉरिटी, ऐसा बोला जाता था कि डिवाइन रेवलेशन है, ठीक है, भगवान के संदेश है ये, और भगवान के संदेशों को उतार दिया था इन्होंने, लिख दिया था, और इसी को ही पढ़ के आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम की स्थापना हुई, जब कास्ट का सेग्रीगेशन हो गया, मेरिटोक्रेसी रही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन तीनों का तो ठीक है, लेकिन जो शूद्र थे इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इनके बारे में लिखा गया कि आप ब्राह्मणों की सेवा करके आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, काफी चीजें। तो यहां पे इन्होंने इसको बिल्कुल इस अथॉरिटी को, मतलब पहले तो इन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन जब ज्योतिबा फुले आए, फिर बाद में B.R. अम्बेडकर आए, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव थिंकर्स ने इसको बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो उससे पहले क्या होता था, जब तक ब्रिटिश नहीं आते थे तब तक भारत में गुरुकुल सिस्टम था, ठीक है, भारत में गुरुकुल सिस्टम था, भारत में मदरसा सिस्टम था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आ गए तो पहले तो उन्होंने एजुकेशन पे इतना बल ही नहीं दिया। लेकिन दोस्तों 1833 में जो एक्ट आया था, देखिए दोस्तों ब्रिटिश में एक्ट आए थे ना, मतलब ब्रिटिश के भारत में एक्ट आए थे, सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में, उसके बाद फिर 1784 में क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट था, फिर 1793 में एक्ट आया था, फिर 1813 का चार्टर एक्ट जिसने ब्रिटिश, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ही खत्म कर दिया था, और फिर 1833 में आया था, ठीक है ना, देख लिया ना, बढ़िया आपका रिवीजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये क्यों आए थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को कम किया जाए। अब यहां पे जो 1833 में एक्ट आया था, इसके इसी के ही अंदर दो साल बाद एक आए थे मैक्योले, ठीक है, जॉन मैक्योले, इनकी कमीशन आई थी, इसको मैक्योले मिनट बोला गया। इन्होंने एजुकेशन पर अपनी रिपोर्ट दी थी, तब इन्होंने बोला था कि जो भी जो हिंदुओं के एजुकेशन है और जो भी कल्चरल एजुकेशन है इसको बिल्कुल हटा दो, इसको ये बिल्कुल बकवास है, क्योंकि यहाँ पे बहस हो गई थी, यहाँ पे बहस दो लोगों में हो गई थी, यहाँ पे बहस हो गई थी ओरिएंटलिस्ट जो कि भारत के विद्वान थे, भारत के स्कॉलर थे और भारत की कल्चर को और भारत के एजुकेशन को एडवोकेट कर रहे थे, वर्सेस एंजलिस्ट जो कि इंग्लिश के थे। तो यहां पे इनको बिल्कुल नकार दिया गया और इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ज्योतिबा फुले ने इसको काफी ज्यादा एडवोकेट किया, और ज्योतिबा फुले ने तो बिल्कुल भी वेदों की जो भी प्रामाणिकता थी उनको बिल्कुल नकार दिया। और उन्होंने तो वैसे यहां पे बता दूं कि इंग्लिश मिशनरीज की काफी ज्यादा तारीफ भी की थी कि उनकी वजह से, क्योंकि यहां पे जो फंडिंग्स आती थी उनकी वजह से आती थी, और यहां पे जो ज्योतिबा फुले के स्कूल थे उसमें भी वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस हो गई, सोशल साइंस हो गई, वेदों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता था, इन्हीं को ही पढ़ाया जाता था। तो ज्योतिबा फुले इसलिए काफी ज्यादा वेस्टर्न एजुकेशन की एडवोकेसी भी करते थे। अब एक चीज आपको और बता दूं कि यहां पे ज्योतिबा फुले वेस्टर्न एजुकेशन की एडवोकेसी भी करते थे, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी में काफी कुछ लिखा भी है। इन्होंने हिंदुइज्म के लिए बहुत ज्यादा लिखा है, इसलिए काफी कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं ये। इन्होंने हिंदुइज्म के लिए भी बहुत ज्यादा लिखा है, और इन्होंने आर्यन इन्वेजन और इन्होंने भगवान राम के लिए भी काफी ज्यादा लिखा है, तो कंट्रोवर्सी में भी काफी ज्यादा थे। अब सोचिए उस समय की बात है, यहां पे ऑलरेडी एक सोसाइटी जो है, एक तबका जो है वो ऑलरेडी सबसे ऊपर है। तो जब ज्योतिबा फुले ने ये सारी चीजें लिखनी शुरू की, इनके ऊपर भयंकर अटैक हुए, इनको जान से मारने तक की कोशिश की गई, लेकिन दोस्तों आवाज कभी दबती नहीं है। आपको बता दूं कि जब ये स्कूल खोले और उसके बाद फिर सोसाइटी में बहुत ज्यादा विरोध हुआ, इनके खुद के पिताजी ने इनको अपने घर से निकाल दिया था कि बेटा तुम अब यहां नहीं रह सकते, क्योंकि तुम ये जो काम कर रहे हो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पिताजी माली थे, तो अब तुम यहां से चले जाओ। तो ये वहां से चले गए, 1848 की बात है, तो वहां से चले गए। उसके बाद फिर ये अपने दोस्त क्या जिनका नाम था उस्मान शेख, वहां पे रहने लगे, और उस्मान शेख की बहन जो थी फातिमा शेख, उन्होंने सावित्री बाई के साथ मिलकर कमाल का काम किया, बहुत सारे स्कूल खोले। दोस्तों ना सिर्फ स्कूल खोले, आप एक चीज और बता दूं कि देखिए इन्होंने चीजें जो लिखी उसका मतलब ये नहीं है इन्होंने सोसाइटी के लिए कोई काम नहीं किया, ये ब्राह्मणों से बड़ा ही बैर ले लिया। इनके बहुत सारे ब्राह्मण मित्र थे, और इनके स्कूल में, इनके सत्य शोधक समाज में हर कोई वेलकम था, सिर्फ और सिर्फ शूद्र नहीं, चाहे कोई भी हो। पहला स्कूल तो ब्राह्मणों के लिए ही खोला था इन्होंने एक तरीके से, तो हर कोई वेलकम था जो भी आना चाहे। और दोस्तों इन्होंने बहुत काम किया, अभी हम बताते हैं इन्होंने किस तरीके से इतना ज्यादा योगदान दिया, ठीक है। तो ये उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने बहुत सारे
क्या कहते हैं कि बहुत सारे ट्रस्ट भी खोले, इसमें से दो ट्रस्ट तो ऐसे थे जिनके बाद में बहुत सारे उसके अंडर स्कूल चलने लगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी, तो बहुत सारे दोस्तों स्कूल इन्होंने खोले। वैसे तो शुरू में तो 3 स्कूल खुले थे, लेकिन 1800 क्योंकि 1857 की म्यूटिनी हो गई थी तो फंडिंग आनी बंद हो गई थी, तो यहाँ पे उस समय तक स्कूल जो है वो बंद होने लगे। क्योंकि इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने और इनकी पत्नी ने मिलके बहुत अच्छा काम किया और तकरीबन 18 से 19 स्कूल खोले थे, ढेर सारे स्कूल खोले थे और उसमें हर कोई वेलकम था। एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, साथ ही साथ इन्होंने हॉस्पिटल्स भी बनाया। आपको बता दूं कि सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले का कोई बेटा नहीं था, तो इन्होंने एक विधवा के बेटे को एडॉप्ट किया था, यशवंत राव, जो कि खुद भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना, ठीक है ना। विडो री मैरिज के ये चैंपियन थे, ये और इनकी पत्नी दोनों विडो री मैरिज के लिए, तो इन्होंने एक तरीके से एक एसोसिएशन ही बना दिया था, ठीक है। और एक आप एक एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो समय फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था उसको भी इन्होंने कम किया था, उसके लिए भी एक अलग से उन्होंने पूरा एक सेंटर खोल दिया था। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो भी उस समय के सोशल इविल्स थे इन्होंने उसको बिल्कुल कम करने की कोशिश की और ये सुनिश्चित किया कि ये इन सब चीजों की वजह से जो जो मेन लोग जो औरतें हैं या जो शूद्र है वो पीछे ना रहे, वो आगे रहें। उसके बाद दोस्तों यहां पे ब्राह्मण्स को, जैसा कि मैंने बताया कि भर भर ऑर्थोडॉक्स जो ब्राह्मण थे, जो प्रोग्रेसिव ब्राह्मण नहीं, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, भर भर के अटैक किया, तो इसीलिए इनपे भी बहुत ज्यादा अटैक हुआ और इनपे अटैक हुआ, इनकी पत्नी पे भी बहुत ज्यादा अटैक होता था। आपको बता दूं जब इनकी पत्नी पढ़ाने जाती थी स्कूल में तो उनके ऊपर बहुत सारे मल फेंका जाता था उनके ऊपर, इसलिए वो दो साड़ी पहन के आती थी, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, उनको गालियां दी जाती थी, तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन दोनों ने, इन कपल ने एकदम ये चीज तो जारी रखी, जो भी सोसाइटी का रिफॉर्मेशन था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद दोस्तों 1873 में बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्यशोधक समाज आपको याद रखना है, जैसा कि मान सत्य मतलब क्या होता है, मतलब सच, शोधक मतलब सर्च करना और समाज मतलब सोसाइटी, तो सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ, ये इन्होंने 1873 में फाइंड किया था, 1873 में। ये सोसाइटी क्या करती थी, कोई भी दबा कुचला है, कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम है वो हमारे पास आए, हम उसकी मदद करेंगे। इन्होंने पोस्टर छपवा दिए थे, आपको बता दूं। देखिए दोस्तों उस समय सबसे ज्यादा खतरनाक कंडीशन थी और खराब कंडीशन थी औरतों की, ठीक है। यहां पे होता क्या था कि इन औरतों की छोटी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी और इन औरतों की छोटी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, औरतें क्या बच्ची होती थी, वो 12 साल की 13 साल की बच्चों की शादी हो जाती थी, 50 साल 60 साल। तो अब होता क्या था कि वो आदमी तो मर जाता था, ये जो जब तक ये अपने पुबर्टी में आती थी, जब तक ये एडल्टहुड में आती थी, अपनी टीन्स में आती थी, तब तक इनका पति ही मर चुका होता था। तो 17 साल 18 साल सती हो जाओ, सती नहीं होना है तो ऐसा जीवन जियो कि जो भी बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल नहीं थे। दूसरी चीज ये होती थी कि जो इनके रिश्तेदार होते थे या जो वो इनके साथ खिलवाड़ करने लगते थे, ठीक है, कई बार तो बलात्कार करके इनको छोड़ देते थे, तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती थी। तो इसी अनवांटेड प्रेगनेंसी के चक्कर में जब बच्चों का जन्म होता था तो ये औरतें समाज के चक्कर में उन बच्चों को मार देती थी, जिसकी वजह से इन्फेंटिसाइड होता था। तो इसी को रोकने के लिए ज्योतिबा राव और इनकी पत्नी ने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए कि कोई भी अगर ऐसी औरत है या कोई भी अगर ऐसी महिला है जिसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, वो हमारे घर आ जाए, नाम बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। देख सकते हैं ना कितना बड़ा, उस समय दोस्तों बहुत अटैक किया था, पोस्टर को फाड़ने की कोशिश की थी और काफी ज्यादा इनके इनको डेली धमकियां आती थी, लेकिन ये पीछे नहीं हटे। और उसके बाद फिर ऐसे ही एक विधवा के बेटे को इन्होंने अडॉप्ट किया था, जिसका नाम था यशवंत राव, काशीबाई का वो बेटा था और वो फिर डॉक्टर बना। तो आप देख सकते हैं ना, और जो जो स्कूल से इनके पढ़ के निकले दोस्तों वो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे गए, कोई बहुत बड़ा पोएट बना, कोई बहुत बड़ा राइटर बना, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बना। अब अगर ज्योतिबा फुले इन स्कूल्स को नहीं खोलते तो आप सोचिए वो लोग क्या होते, वो जीवन भर वही कर रहे होते जो उनकी जनरेशन करती आ रही है। तो एक तरीके से ये चेन ब्रेकर है, इन्होंने चेन को ही तोड़ दिया, कमाल कर दिया और एक नया रास्ता दे दिया। तो ये सारी चीजें थी। हम यहाँ पे इनके व्यूज की बात कर रहे हैं, सत्यशोधक समाज की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सत्यशोधक समाज, जैसा कि मैंने बताया कि ये इक्वालिटी को प्रमोट करता था, हर कोई आराम से बैठ के साथ में खाना खाएगा, हर कोई साथ में नहाएगा, जी हाँ, इक्वल बाथिंग, सबके लिए एक कॉमन टब था, वहां पे आइए ना स्नान कीजिए, ताकि इक्वालिटी जो अनइक्वालिटी है उसको खत्म किया जा सके और समाज के सारे लोग साथ में मिलके सब काम करें, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों एक चीज और बता दूं कि
देखिए सोसाइटी में जो है मेजॉरिटी अच्छे ही होते हैं, जान के आपको बहुत ही खुशी होगी, ठीक है। मेजॉरिटी लोग अच्छे ही होते हैं, वो कभी भी बुरा नहीं चाहते। कुछ लोगों की वजह से कुछ लोगों का जो नाम है वो बदनाम हो जाता है, या उसका समाज जो है वो पूरा बदनाम हो जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो ये बड़ी अच्छी खबर भैया मैंने सुना दी है कि नहीं। अब इसमें बहुत ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि सर हमें तो खाली खराबी लोग मिले हैं। अरे ऐसा नहीं है भैया, एकदम थोड़ा सा शांत रहो, अच्छे से जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें सत्य शोधक समाज की, तो यहाँ पे हर कोई वेलकम था, कोई भी सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता था। अब कुछ इनके व्यूज की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम व्यूज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने वेदों की सुपीरियोरिटी को बिल्कुल नकार दिया। इन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी में काफी कुछ लिखा है, और इन्होंने बोला कि ये तो फॉल्स कॉन्शियसनेस है। देखिए वेदों का भी मैं आपको बता चुका हूं कि भैया मोक्ष को पाना तो वेदों को पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन यहां पे इन्होंने बोला कि ये बिल्कुल बेकार है, बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आर्यंस ने इन्वेड किया। अब यहां पे वेदों में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों ने लिखा है ये, ब्राह्मणों ने अपने लिए ये सब कुछ, ये जितनी भी चीजें हैं इसकी स्थापना की है, ताकि यहाँ पे एक तबके को पूरी तरीके से दबाया जा सके। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर इतनी सेवा करके या इतना ज्यादा डोमिनेट करके आप किसी भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। ये जहां पे भी है ये सब ब्राह्मणों ने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिखा है, ये इन्होंने वेदों के बारे में लिखा था। उसके बाद भगवान राम के बारे में भी इन्होंने लिखा था कि भगवान राम जो है वो कास्ट सब्जुगेशन का एक प्रतीक है। उसके बाद इन्होंने आर्यंस के बारे में लिखा था कि जो आर्यंस इन्वेड किए अपनी सुपीरियोरिटी को उन्होंने स्थापित करने के लिए, ये जो वर्ण सिस्टम है वर्ण आश्रम है इसको जो है पूरा एस्टैब्लिश कर दिया, कास्ट को इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया ताकि इनकी सुपीरियोरिटी जो है वो बनी रहे और एक तबका बिल्कुल शांत रहे, कभी भी वो ऊपर जा ही ना पाए, उसको कोई राइट्स नहीं मिले। तो ये बिल्कुल गलत है, तो इसीलिए इन्होंने ये सारे राइट जो है इनको देने की कोशिश की। ज्योतिबा फुले ने ही दलित टर्म को कास्ट किया था दोस्तों, ठीक है ना। और उसके बाद ही दलित जो है जो शूद्र होते थे उनको दलित जो है वो बोला जाता था, ये अनटचेबल्स बोले जाते थे तब तक ब्राह्मण्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन दलित जो वर्ड था बाद में यूज होने लगा, उसके बाद फिर हरिजन यूज होता था, गांधी जी हरिजन बोलते थे, और फाइनली फिर SC ST पूना पैक्ट के बाद वो यूज होने लगा। और कानून में भी अगर आप देखें तो वो SC ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के नाम से वो पूरा उल्लेख है उसका, ठीक है। तो ये चीज है। अब दोस्तों सत्य शोधक समाज जो है वो काफी ज्यादा सक्सेस हो, यहाँ पे बहुत लोगों ने इसकी मेंबरशिप ली, 316 मेंबर हो गए थे, और काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस समाज था, ठीक है। इसी दौरान दोस्तों 1877 में बहुत ज्यादा महामारी फैल गई थी, उस समय महामारियां बहुत ज्यादा फैलती थी, तो इन्होंने हॉस्पिटल स्टैब्लिश कर दिए। ब्यूबोनिक प्लेग आया था दोस्तों 1897 में, तब इन्होंने, इनकी जो पत्नी है उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर हॉस्पिटल स्टैब्लिश कर दिए थे ताकि यहाँ पे कोई भी बीमारी से ना मर जाए। इन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, ये मानते थे कि जो ब्रिटिशर है वो बिल्कुल इनलाइटेनमेंट है, इनलाइटेंड है, और ब्रिटिशर जो आए हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट दोस्तों। क्योंकि जो, जैसा कि मैंने बताया कि जो पूरा सपोर्ट सिस्टम था, देखिए ब्राह्मण तो करेंगे नहीं, क्षत्रिय तो करेंगे नहीं, तो जो पूरा सपोर्ट था वो ब्रिटिश ही कर रहे थे एक तरीके से। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी इंग्लिश मिशनरीज थी वो काफी ज्यादा ज्योतिबा फुले को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। तो ये चीज थी, ये इनके कुछ व्यूज है जो काफी कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने सोसाइटी के लिए नहीं किया है, इन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने फ्री में, आपको बता दूं कि इसी दौरान जब ये महामारी फैली थी और बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, खाने की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई थी, तो इन्होंने फ्री में फूड हॉस्टल्स बना दिए थे, कि कोई 52 ऐसे हॉस्टल बनाए गए थे कि कोई भी आके खाना खा सकता है, हम सबकी मदद करेंगे। तो इन्होंने बहुत कुछ किया, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों जब भारत में एजुकेशन लॉ लाने की बात की, तब इनकी एक्सपर्टीज पे, मतलब ब्रिटिश ने इनको भी बुलाया और बताया कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम करें, तब इन्होंने बोला कि कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, स्पेशली जो गांव में, जिसको भी जिन जिन लोगों, मतलब स्पेशली जो गांव में जो भी लोग हैं उनके लिए तो कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, उन सबको मौका मिलना चाहिए पढ़ने का, तभी कुछ होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इसी दौरान दोस्तों इनकी तबीयत भी खराब रहने लगी काफी ज्यादा, और अल्टीमेटली 28 नवंबर 1890 महात्मा ज्योतिराव फुले स्वर्ग को सिधार गए। तो ये सारी चीजें थी। 1828-88 में इनको एक स्ट्रोक भी पड़ा था, जिसकी वजह से इनको एक पैरालिसिस हो गया था, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये देखिए सोशल एक्टिविस्ट तो कमाल के थे ही, साथ ही साथ ये बहुत सारे कामों में थे, एक बिजनेसमैन भी थे, एक मर्चेंट भी थे, लैंड होल्डर भी थे, और कमिश्नर भी थे, म्यूनिसिपल काउंसिल के मेंबर थे पूना म्यूनिसिपालिटी के, ठीक है ना। तो
तो ये सारी चीजें थी। अब इसके बाद हम देखेंगे इनकी पत्नी सावित्री बाई की बायोग्राफी, वो भी कमाल की है। ठीक इसके बाद लेक्चर आएगा दोस्तों। ये कुछ पब्लिकेशंस है दोस्तों, बहुत ही एफिशिएंट राइटर भी थे, और इनकी जो किताब है गुलामगिरी, जो 1873 में लिखी गई थी, सबसे फेमस बुक जो ज्योतिबा फुले ने लिखी थी, वो काफी ज्यादा फेमस है, और उसमें तो बहुत ज्यादा भर भर के हिंदू कल्चर को कोसा गया है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी की सारी पब्लिकेशन से आप देख लीजिएगा, अवेलेबल है, जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। मैंने इनकी गुलामगिरी पढ़ी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।